झारखंड पुलिस ने उग्रवादी संगठन पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप सहित कई उग्रवादियों की तस्वीर जारी कर इनके धर पकड़ के लिए इनाम की राशि घोषित कर दी है। इधर उग्रवादियों ने भी पुलिस की चुनौती को स्वीकार करते हुए राजधानी के एक बड़े व्यवसायी सह राजनेता से 2 करोड़ की रंगदारी मांगते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली है। उग्रवादियों ने लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के व्यवसायिक परिसर में पोस्टर लगाकर 2 करोड़ रुपए नहीं देने के बाद जान से मारने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद से प्रधान का परिवार जहां दहशत में है, वही पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। पुलिस की तमाम दबिश के बाद भी राजधानी और आसपास के इलाकों में उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का मनोबल बढ़ता जा रहा है। इस बार उग्रवादियों ने रांची के प्रसिद्ध बिल्डर वीरेंद्र प्रधान को 2 करोड़ की रंगदारी मांग कर जान से मारने की धमकी दी। नक्सलियों ने एक पोस्टर चिपकाकर वीरेंद्र प्रधान को धमकी दी है कि पोस्टर में लिखा है कि 2 करोड़ की मांग उनसे की गई थी जिसे नहीं दिया गया, अब उन्हें जान से मारने का फरमान जारी कर दिया है। इधर इस पोस्टर के बाद से एक बार फिर से राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस सरकार में उग्रवादियों का मनोबल किस तरह से बढ़ा है। देखिए, इस सरकार के कार्यकाल में उग्रवादियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब उन्होंने लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान जी को जान से मारने की धमकी दी है और ये भी कहा है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए रंगदारी में नहीं दिया जिसके कारण उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब आप ये सोचें कि उनका जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो हरदाद में है, वो जो बिल्कुल रांची से सटा हुआ जगह है, वहाँ इस तरीके के जब उग्रवादी पोस्टर चिपका कर चले जाते हैं तो ये पूरे प्रदेश की रियलिटी चेक कराता है कि उग्रवादियों का किस कदर उग्रवादियों का मनोबल यहाँ बढ़ता जा रहा है। जन अदालतें लग रही हैं, लेवी के लिए फोन आ रहे हैं, उग्रवादियों के द्वारा घटनाएं की जा रही हैं। हम झारखंड पुलिस से मांग करते हैं कि अविलंब दोषियों की गिरफ्तारी हो और उग्रवादियों के खिलाफ सुनियोजित अभियान चले। हालांकि पुलिस की तरफ से कई नामी गिरामी उग्रवादियों के खात्मे को लेकर तैयारी की जा रही है। पुलिस की तरफ से पीएलएफआई के नामी गिरामी उग्रवादियों की ताजा तस्वीर जारी कर उन पर इनाम की घोषणा कर दी गई है। इसमें पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा जीतन गुड़िया पर 15 लाख, तिलेश्वर गोप पर 10 लाख, अवधेश जायसवाल, अजयपुर तिनीचर सुरेन, मंगरा लुगनू पर 2-2 लाख रुपए का इनाम जारी किया गया है। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी को भी पुलिस ने अटैच कर दिया है। राज्य के पुलिस कप्तान एमबी राव ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी है कि अब अपराधियों, उग्रवादियों और नक्सलियों के खात्मे में पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जो भाषा का वो यूज किया था मैं भी सुना और वो आखिरी वक्त में उसी भाषा में उसको जवाब देंगे। लगातार राजधानी के आसपास के इलाकों के व्यवसायियों से लेवी मांगे जाने की घटनाओं ने पुलिस की नींद जरूर उड़ा दी है। हालांकि पुलिस उग्रवादियों के खिलाफ मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करने में लगी है। इसके बाद भी उग्रवादियों की धमक राजधानी और आसपास के इलाकों में होना सभी की चिंता बढ़ा दी है। अब देखना है कि जिस रफ्तार से पुलिस उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की है उसमें कितनी जल्दी कारगर हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।